हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्याम और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राइडर अड्डा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि लंबे सफ़र पे जाने के लिए कौन सी बाइक सूटेबल होती है या हमें कौन सी बाइक लंबे सफ़र पे ले जानी चाहिए। लंबे सफ़र को ध्यान में रखते हुए जो बाइकें डिज़ाइन की जाती हैं उसे हम लोग टूरिंग बाइक कहते हैं। और टूरिंग बाइक की कई कैटेगरी होती है, तो हमारे लिए कौन सी बाइक अच्छी रहेगी वो समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि टूरिंग बाइकें होती कैसी हैं और इनकी कौन कौन सी कैटेगरी होती है। तो सबसे पहली कैटेगरी जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है एडवेंचर टूरर कैटेगरी। एडवेंचर टूरर कैटेगरी में वो बाइकें आती हैं जिनको हम लोग ऑफ रोड को ध्यान में रख के डिज़ाइन करते हैं और वो ठीक ठाक ऑन रोड परफॉर्मेंस भी उनका ठीक ठाक ही होता है। आखिर इनको क्या ऐसा इनकी क्या ऐसी क्वालिटी होती है कि जो इनको एडवेंचर टूरर कैटेगरी में ऑफ रोड कैपेबिलिटी इनकी बढ़ा देती हैं। इनके कुछ डिज़ाइन में कुछ खास बदलाव किए जाते हैं जिससे इनका ऑफ रोड परफॉर्मेंस अच्छा रहे। कुछ हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे इनके जो फ्रंट व्हील होते हैं वो कंपैरेटिवली बड़े होते हैं जिससे ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे आसानी से जो है ये पार कर जाए उनको और राइडर्स पे और बाइक पे कम प्रभाव पड़े। दूसरी जो इनके स्पोक्स व्हील्स होते हैं, स्पोक्स व्हील्स जर को बहुत आसानी से झेल लेते हैं और इनको बेंड होने और टूटने नहीं देते हैं। तीसरी चीज़ इनकी जो होती है, इनकी जो टायर्स होती है वो ऑफ रोड होती हैं जिससे स्किडिंग नहीं होती है और इसका परफॉर्मेंस जो है ऑफ रोड पे काफ़ी अच्छा होता है। नेक्स्ट जो इनमें ख़ास बात होती है वो होती है इनका लार्ज सस्पेंशन। इनका फ्रंट का सस्पेंशन काफ़ी बड़ा होता है जिससे किसी भी गड्ढे को ये आसानी से पार कर जाती हैं और बाइक पे जो प्रभाव होता है वो कम से कम प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा इनकी जो इंजन होते हैं, इंजन कुछ इस हिसाब से ट्यून की जाती है कि इनमें पावर ज़्यादा जनरेट हो। बहुत रेस करने के लिए इनके इंजन्स नहीं ट्यून्ड होते हैं, अच्छा पावर और अच्छा ट्रैक्शन इनको जनरेट करने के लिए इनको डिज़ाइन किया जाता है। इनके जो हैंडल बार होते हैं वो थोड़ी से वाइड होते हैं और अपराइट होते हैं जिससे कभी ऑफ रोडिंग के टाइम जब राइडर्स को बाइक पे खड़ा होकर चलाना हो तो वो हैंडल उनको प्रॉपर सपोर्ट दे, उनकी पोजीशन प्रॉपर रहे जिससे वो बाइक पे खड़े होकर आसानी से ऑफ रोड कर सकें। ऑफ रोड को ध्यान में रखते हुए इनके जो फुट पैक्स होते हैं वो थोड़े से स्पोक्ड होते हैं, ग्रिपी होते हैं जिससे पैर वहाँ पे रखने के बाद ऊबड़ खाबड़ रास्तों में वो फिसले ना और बाइक पर जो राइडर है वो आसानी से अपना राइड कर सके। और कुछ और जो ख़ास चीज़ें इनको बनाती हैं, इनकी जो सीटिंग का पोस्चर होता है वो काफ़ी काम होता है। उनकी सीट्स जो होते हैं कुछ टैंक्स को कवर करते हैं ताकि खड़े होकर चलाने पर आगे पीछे स्लाइड करने पर बाइकर्स को कोई बहुत खास दिक्कत ना हो। इनमें कुछ खास तरह के प्रोटेक्शन होते हैं जो बाइक को गिरने पर या बाइक को कोई पत्थर लगने पर उसको बाइक को बचाते हैं और राइडर को सेफ रखते हैं। इनको इंजन को प्रोटेक्ट करने के लिए इंजन गार्ड, बाकी बाइक की बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्रैश गार्ड, नकल गार्ड, विंड शील्ड, ये सब इनके प्रोटेक्शन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। कुछ और चीज़ें जो इसमें होती हैं, जैसे इनके जो गियर शिफ्टिंग का जो गैप होता है वो बहुत कम रखा जाता है जिससे किसी भी हम लोग स्लोप में या इंक्लाइंड प्लेन पे हम लोग जब बाइक चलाते हैं तो हमें बहुत जल्दी से गियर चेंज करना होता है, नीचे आना होता है या ऊपर आना होता है। उसके लिए गियर के बीच में जो गैपिंग होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए। लार्ज गैपिंग होने पर अपने को बहुत दिक्कत होती है। एडवेंचर टूर कैटेगरी की बाइकों को आप समझ गए होंगे कि ये ज़्यादा ऑफ रोड फोकस्ड होती हैं। जो इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में कुछ एडवेंचर टूरर बाइकें आती हैं, जैसे अपने पास एक बजट के एडवेंचर टूरर है हीरो की एक्सपल्स 200, 1.3 लाख के आसपास आती है और इनका परफॉर्मेंस जो है बहुत ही अच्छा है। दूसरी अपने को रॉयल इनफील्ड की हिमालयन 400, इट्स आल्सो अ गुड एडवेंचर बाइक। और इसके अलावा अभी रिसेंटली KTM ने अपने 390 एडवेंचर लॉन्च किया है जो एक बहुत अच्छा पैकेज है। इसके अलावा बड़ी बोर की बाइकें भी जो इनका एडवेंचर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है वो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपका जो पर्पज है वो ज़्यादा ऑफ रोड है और ऑन रोड परफॉर्मेंस कम है, या ऑफ रोडिंग में आप ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, आप हिली एरिया में, रिमोट एरिया में जैसे लेह लद्दाख, स्पीति, मुस्तांग, ये सब कवर करना चाहते हैं तो आपको एडवेंचर टूरर बाइक कंसीडर करना चाहिए। और दूसरी जो कैटेगरी है दोस्तों वह है वो स्पोर्ट्स टूरर कैटेगरी की। स्पोर्ट्स टूरर कैटेगरी की जो बाइकें होती हैं वो रोड परफॉर्मेंस को ध्यान में रखकर डिज़ाइन की जाती हैं
इनकी रोड परफॉर्मेंस अच्छी होती है, ऑफ रोड कैपेबिलिटी कम होती है, हल्का फुल्का आप ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली वो ऑफ रोडिंग के लिए डिज़ाइन नहीं होती है। जितने मैंने आपको फीचर बताया एडवेंचर टूरर कैटेगरी के बाइकों के, उनका आप एक तरह से जस्ट अपोजिट कर दीजिए। जैसे इनके टायर्स उतने बड़े नहीं होते हैं, इनके स्पोक्स व्हील के बजाय इनमें एलॉय व्हील्स होते हैं, इनका सस्पेंशन ऐसा नहीं होता है, इनकी डिज़ाइन थोड़ा से एरोडायनामिकली स्ट्रांग होती है जिससे फ्रिक्शन ज़्यादा ना जनरेट हो, इनका राइडिंग पोस्चर बहुत एग्रेसिव होता है, उतना काम राइडिंग पोस्चर नहीं होता है। ये सब चीज़ें होती हैं इनमें, मतलब आपके स्पोर्ट्स टूरर कैटेगरी में। स्पोर्ट्स टूरर कैटेगरी की बाइकों के इंजन काफ़ी रेव करने को होते हैं, बहुत स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए होते हैं, तो उस हिसाब से इनको डिज़ाइन किया जाता है। जैसे अपने अगर इंडिया में देखा जाए तो अच्छी लंबी दूरी तय करने के लिए आपकी डोमिनार 400 एक बहुत ही अच्छी स्पोर्ट्स टूरर कैटेगरी है। इसके अलावा आपका KTM 390 ड्यूक ऑल्सो गुड स्पोर्ट्स टूरर बाइक, इंटरसेप्टर 650 इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है रॉयल इनफील्ड की, तो इसको आप स्पोर्ट्स टूरर कैटेगरी में आप कंसिडर कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपको का जो वो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा रोड पे है और कभी कभार ऑफ रोडिंग हल्की फुल्की करनी है तो आप स्पोर्ट्स टूरर कैटेगरी को कंसिडर कर सकते हैं। और तीसरी कैटेगरी जो है वो है हमारी क्रूज़र कैटेगरी। क्रूज़र कैटेगरी मेनली जो होती हैं वो रोड पे फोकस्ड होकर बनाई जाती हैं, इनकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी बिल्कुल मिनिमल होती है, इनके डिज़ाइन में कंफर्ट का बहुत ध्यान रखा जाता है, जैसे इनकी सीट की कुशनिंग बहुत ही अच्छी होती है, प्रॉपर सपोर्ट होता है, टायर काफ़ी मोटे होते हैं जो रोड के ग्रिप्स बना के रखे हैं, इसके अलावा एलॉयस व्हील्स होते हैं, पोस्चर बहुत ही काम होता है, हैंडल्स बार जो होते हैं वो राइडर के पास आते हैं जिससे वो आसानी से जैसे लगता है कार में बैठ के वो आराम से हाईवे पे क्रूज़ करते रहे, तो इनकी डिज़ाइन कुछ इस तरह होती है। तो अगर आप केवल और केवल एक शहर से दूसरे शहर कवर करते हैं, अच्छी रोड्स कवर करना चाहते हैं और एक ऐसे ट्रिप में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको क्रूज़र बाइक कंसीडर करनी